334 ए के मुंबई से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राज्य बॉर्डर खंड का टू लेन, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 346 के बिछोर से दिनारा खंड का टू लेन निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 552 विस्तारित पर मुरैना अम्बा एवं कोरसा बाईपास का टू लेन निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 592 विस्तारित के मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर श्योपुर गोरस मार्ग का टू लेन, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 748 बी के ब्यावरा बाईपास के टू लेन, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 752 सी से सुजानपुर बाईपास के टू लेन, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 347 सी के अंतर्गत प्रस्तावत सेलानी खरगोन एवं दुष्किन बाईपास का टू लेन, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 552 पर अजेय एवं बिंग बाईपास का टू लेन, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 347 सी के सर्वर देवला से पाल, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 552 विस्तारित से गोरख श्यामपुर मार्ग के टू लेन, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 552 विस्तारित के श्यामपुर संबलगढ़ मार्ग के टू लेन और राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 56 के गुजरात राज्य की सीमा दाहोद से अम्बुआ खंड के टू लेन। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय अतिथिगण। आप सभी से कृपया आप सभी अपना स्थान पूर्ण राजा भूपाल शाह सलाह और महाप्रतापी राजा भोजपाल ने समय समय पर जिस भोपाल शहर को बसाया उसकी पहचान बाद में झीलों के शहर के रूप में विकसित हुई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के प्रयासों के कारण अब इसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राजमार्गों के लिए जाना जाएगा। मध्य प्रदेश में राजमार्गों के निर्माण का बजट 1.5 लाख करोड़ रुपए सुनिश्चित किया गया है। सड़क निर्माण का कार्य इतनी तेजी से हो रहा है कि 2014 में जहां मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5184 किलोमीटर थी, वो 2024 में बढ़कर 9300 किलोमीटर हो गई है, अर्थात 10 सालों में राजमार्ग निर्माण दोगुना हो चुका है। इस दौरान 8 लेन सड़कों का निर्माण 244 किलोमीटर, 6 लेन सड़कों का 50 किलोमीटर, 4 लेन सड़कों का निर्माण करीब 4200 किलोमीटर और 2 लेन की 3500 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है। उसी कड़ी में भोपाल को 498 किलोमीटर लंबी 15 अलग अलग सड़कों की सौगात मिलने जा रही है। 8038 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इन उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों का भूमि पूजन माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के कर कमलों से होने जा रहा है। इन 15 सड़कों में से NH 146B पर बुधनी से शाहगंज बाईपास पर 28 किलोमीटर से भी लंबी 4 लेन रोड का निर्माण 805 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। विदिशा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सीहोर और रायसेन जिले को जोड़ने वाली ये सड़क मध्य प्रदेश में 3 राजमार्गों NH 47, NH 46 और NH 45 के बीच संपर्क का माध्यम बनेगी। दूसरी तरफ रायसेन जिले में शाहगंज बाईपास एंड से बाड़ी तक 40 किलोमीटर से भी लंबी 4 लेन रोड का निर्माण 784 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। उसी तरह भोपाल जिले में ही NH 46 पर आश्रम तिराहा से NH 146 पर रत्नागिरी तिराहा तक 6 लेन की करीब 16.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण हो रहा है, जिसमें अयोध्या नगर बाईपास पर दोनों तरफ सर्विस लेन बनाने का भी प्रावधान है। इस उच्च गुणवत्ता वाली सड़क के निर्माण में करीब 1235 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। इस स्ट्रेच के तैयार हो जाने से कानपुर से भोपाल आने वाले यात्रियों को जाम से मुक्ति मिलेगी, जिसके कारण भोपाल में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक का यातायात बेहद सुगम हो जाएगा। इन 3 सड़कों के भूमि पूजन के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों पर काम बहुत रफ्तार से चल रहा है। इस दिशा में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार 5210 करोड़ रुपए की लागत से करीब 413 किलोमीटर लंबाई में अलग अलग सड़कों का निर्माण, पुनर्निर्माण और उनके चौड़ीकरण के काम कर रहा है। इनमें पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन सड़क बनाने का काम NH 552 एक्सटेंशन पर मुरैना अम्बा और कोरसा बाईपास, श्योपुर गोरस मार्ग, गोरस श्यामपुर मार्ग और श्यामपुर सबलगढ़ पर चालू होने जा रहा है। इसी तरह NH 347C पर
सरवर देवला से पालतक और कसरावत सेलानी खरगोन एवं बिस्तान बाईपास पर सड़क उन्नयन का कार्य भी प्रगति पर है। एनएच 346 पर पिछोड़ दिनारा, एनएच 56 पर दाहोद अम्बुआ और एनएच 347 ए पर मुल्ताई से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा तक टू लेन का सड़क निर्माण कार्य शामिल है। इसके अलावा इंदौर में रिंग रोड बनने जा रहा है तो अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रगति रत कार्य जैसे उज्जैन गरोड़ ग्रीन फील्ड कॉरिडोर, उज्जैन बदनावर मार्ग, इंदौर खंडवा मार्ग, इंदौर से हरदा होते हुए बैतूल मार्ग अपनी समय सीमा के अंतर्गत संपूर्ण होने जा रहे हैं। माननीय मंत्री श्री गडकरी जी और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के प्रयासों से मध्य प्रदेश में जिस तरह मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है उससे मध्य प्रदेश नए इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल हब के रूप में विकसित होने जा रहा है।